ये एक सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश के किसान का जो नरसिंहपुर जिले के ग्राम खुरपा का निवासी है, नाम है पीके पुरोहित। पहले रेलवे में नौकरी करते रहे, अब रिटायर हो गए। सोचा अपनी जमीन पर खेती करेंगे, अनाज उपजाएंगे। गांव पहुंचे तो बारिश के मौसम में सड़क की हालत देखी ना गई। ग्रामीणों की परेशानी लेकर 61 साल के इस बुजुर्ग ने हिम्मत की ओर ग्राम पंचायत स्तर से सीएम हेल्पलाइन तक सड़क निर्माण के लिए आवेदन कर दिया। ये जानते हुए कि सीएम साहब ये कहते हैं कि एमपी की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं, लेकिन पुरोहित के आवेदन पर जिले के अधिकारी यहां से वहां चक्कर लगवाते रहे। किसी ने बताया कलेक्टर नरसिंहपुर श्री अभय वर्मा के पास जाओ, लोक सेवक है, तुम्हें न्याय और दोषियों को सजा मिलेगी। 21 अगस्त 2018 दिन मंगलवार को आवेदनकर्ता पी के पुरोहित कलेक्टर नरसिंहपुर की जन सुनवाई में अपना दुखड़ा सुनाने पहुंच गए। लाइन में लगे नंबर आया तो कलेक्टर ने समस्या पूछी तो बुजुर्ग ने सब कागज सामने रख दिए, बताया कि सड़क नहीं बन रही। कलेक्टर ने कहा आपकी ये समस्या पीडब्ल्यूडी हल करेगा। बुजुर्ग पीडब्ल्यूडी की टेबल पर पहुंचा, वहां कोई नहीं था, तो बुजुर्ग वापस कलेक्टर को ये बताने चला गया कि वहां कोई नहीं है, मैं बुजुर्ग आदमी हूं। हर जिम्मेदार को अपने गांव की पीड़ा सुना चुका, पर हर नहीं निकल रहा। साहब ने कहा तुम्हारे कहने से रोड नहीं बन जाएगी। बुजुर्ग ने कहा आप तो बड़े अधिकारी हैं, मैं आपके पास फरियाद लेकर आया हूं, अगर समस्याएं हल नहीं होंगी तो लोग कहाँ जाएं। साहब को गुस्सा आ गया, नाराज हो गए, कहा बकवास करता है और कहा इसे तत्काल जेल भेज दो। बुजुर्ग ने कहा हो सकता है मुझसे गलती हो गई, जो मैं सड़क बनाने का आवेदन लेकर आया, माफ कर दो, हाथ जोड़ता हूं। गिड़गिड़ाया, बुजुर्ग की एक ना सुनी और सिपाही उस बुजुर्ग को लेकर थाना कोतवाली आ गया। थाने में कुछ घंटे बैठाया, टीआई ने पूछा क्यों आए हो, फिर अनायास टीआई के पास फोन आया। तत्काल कागजों पर पेन चलने लगे, लिखा पड़ी हुई, तब दस्तखत करवाए तो बुजुर्ग ने पूछा ये सब क्या है। पुलिस वाले ने बताया आप पर धारा 151 की कार्यवाही की गई है। बुजुर्ग को एसडीएम कोर्ट ले जाया गया। खानापूर्ति के बाद पुलिस वाले ने बुजुर्ग से कहा आपको जेल जाना होगा। ये शब्द बुजुर्ग ने सुने तो 61 साल की जिंदगी एक पल में नजरों के आगे घूम गई। बुजुर्ग को 21 अगस्त को जेल भेजा गया। 4 दिन बाद 25 अगस्त 2018 को परिजनों ने जमानत मंजूर कराई। जब बुजुर्ग जेल से बाहर आया तो उसकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब खत्म हो चुका था। पीड़ित बुजुर्ग जेल से वापस आया तो ठान लिया कि सड़क भी बनवा कर रहूंगा और उसके साथ हुए अन्याय की लड़ाई भी लड़ूंगा। जेल से लौटकर बुजुर्ग ने एसपी को आवेदन दिया और घटना दिवस की सीसीटीवी फुटेज देखकर कलेक्टर पर एफआईआर की मांग की। जिला चुन रस्ते के विषय में मैंने अपना अभिनिवेदन दिया था 181 पर। वहाँ से मेरी सुनवाई के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग में आया, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आया। उसके बाद मैंने काम, जब रास्ता नहीं बना तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास अपनी शिकायत लेके गया और कलेक्टर महोदय के सामने अपनी शिकायत रखी। कलेक्टर महोदय ने मेरी शिकायत देखते हुए बोला पीडब्ल्यूडी ऑफिस आपका काम करेगा, उनको दे दो। किंतु पीडब्ल्यूडी ऑफिसर जो थे वो वहाँ पे उपस्थित नहीं थे जन सुनवाई के दिन। तो जन सुनवाई में मैंने बोला सर आज जन सुनवाई है और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के कोई अधिकारी नहीं है, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ का रास्ता बहुत दयनीय स्थिति में है, पैदल नहीं चल पाते, किसान लोग गिरते हैं, वहाँ परेशानियाँ होती हैं, अपना सामान नहीं ले जा पाते। तो कलेक्टर महोदय ने बोला आप ज़्यादा बकवास करते हो, आपको मैं जेल भेज दूंगा, क्या नाम है तुम्हारा। मैंने बोला साहब मेरा नाम पी के पुरोहित है। तो बोले आप ज़्यादा बात कर रहे हैं, ले जाओ का इनको पुलिस स्टेशन का। मैं बाद में उनको जाके रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के, सर मैं आपका कुछ मैंने गलत बोल दिया तो माफ़ करना, मैं मेरे को माफ़ कर दो। नहीं नहीं बोले, तुमने बहुत कुछ ऐसा कर दिया। तो साहब मेरे को उन्होंने पुलिस चौकी भेज दिया। पुलिस चौकी में जाने के बाद 5:30 बजे तक मैं वहाँ बैठा रहा। फिर वहाँ पे मेरे को 5:30 बजे 151 करके धारा लगा के एसडीएम ऑफिस भेजा। एसडीएम ऑफिस में एसडीएम साहब भी उपस्थित नहीं थे। उसके बाद वहाँ उन्होंने टेलीफोन मैसेज किया कि इनको जेल भेज दो 151 में। मैं, मेरे को 4 दिन जेल में रखा गया, मेरे 4 दिन कैसे जाएंगे, मैं बहुत परेशान होते रहा। सबको मैंने, सभी ने बोला 151 में तुम कुछ, 1 दिन 2 दिन भी नहीं, मेरे को 4 दिन जेल भेजा। मैं इतना परेशान हो गया, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, एक किसान होने के नाते मेरे साथ में ये व्यवहार हो रहे हैं तो बाकी लोगों के साथ में क्या होगा। मेरे तो उस दिन से ऐसा लगा कि मैं अभी जिंदा नहीं रहूँगा,
एक भगवान बचाले में बड़ी मुश्किल से 4 दिन के बाद भगवान से जेल से बाहर चुका। मेरे 4 दिन जो जेल में बेच गए हो गए, मैं वो उसका न्याय चाहता हूँ। मेरी टीवी फुटेज मंगाई जाए उस दिन की, जिस दिन की जनसुनवाई थी 21-8 की, जब जनसुनवाई में मैंने अगर कुछ गलत शब्द बोले हो तो प्रशासन मेरे साथ में जो सजा देगा उसको मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। किंतु मैंने अभी जो रिपोर्ट की है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को, मेरे को ऐसा लगता है कि कलेक्टर साहब उनके ऊपर भी दबाव बना के मेरे को क्या लगता है क्यों भेजा आपको कलेक्टर ने जेल? मैंने उनके साथ में अपनी शिकायत का पूरा विवरण दिया और उनसे बार बार बताया, इसलिए उनने गुस्सा होकर मेरे को जेल भेजा है। और कोई कारण नहीं है, मैंने कोई गलत शब्द बोले नहीं। मेरा टीवी फुटेज मंगा लिया जाए, मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा। मीडिया को पूरा वाक्या सुनाया तो कलेक्टर नरसिंहपुर ने पीड़ित के आरोपों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये बुजुर्ग शराब पिए था, हुड़दंग कर रहा था, इसलिए थाने भिजवाया। अब आप ही बुजुर्ग का दर्द सुनेंगे तो शायद एहसास हो कि इस उम्र में जेल जाना क्या होता है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो चाहता है 2 किलोमीटर की सड़क उसके गांव में बन जाए, पर इस सड़क ने उसे 4 दिन जेल की हवा खिला दी। इस मामले में सब चुप हैं, मौन इसलिए भी है कि सरकारी दावों की कलई खुल जाएगी और नेताओं के वादों की असलियत सामने आ जाएगी। प्रमोद परोहित आए थे जनसुनवाई में, वहाँ बहुत भीड़ थी, लगभग 300 लोग आते हैं कम से कम उसमें। तो ये बीच में आ गया और ये नशे में हालत में था और वहाँ गाली गलौज कर रहा था, हुड़दंग कर रहा था, लोगों को आतंकित कर रहा था। मेरे बार बार समझाने के बाद भी ये बात नहीं मान रहा था, नशे में था, समझ भी नहीं पा रहा था दोनों है। तो इस कारण इसको पुलिस को सौंपा गया, वहाँ दूसरे लोग इसका काज प्रभावित हो रहा था। सर मैं वो कह रहा था शराब मैंने नहीं पी है ऐसा कुछ करके, वो कहने के लिए कुछ भी कहे लेकिन पूरे नशे में था वो, शराब पी हुआ था निश्चित रूप से। सर क्या कार्रवाई की आपने? 151 का जो मामला है नहीं, पुलिस को सौंपा गया था थाने में उस दिन जी, उसका पुलिस ने केस प्रस्तुत किया है वहाँ SDM कोर्ट में। सर ये प्रमोद पुरोहित ने शिकायत की है कि कलेक्टर अभय वर्मा ने उनके साथ गलत किया है, मामले को लेकर क्या कार्रवाई सर? प्रमोद पुरोहित के द्वारा एक आवेदन पत्र SP कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जांच SDOP नरसिंहपुर के द्वारा की जा रही है। जांच में सभी पहलुओं पर एवं तथ्यों का एकत्रित किए जाएंगे और जांच के पश्चात जो भी होगा अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर जो 151 की कार्रवाई हुई है उसमें बात आई है कि शराब पी के वो यहाँ उत्पात मचा रहा था, प्रकरण अभी जाँच में है, जाँच के पश्चात ही अब बताया जा सकता है। MLC तो नहीं की गई है लेकिन रिकॉर्ड जांच में है, तो जांच के बाद ही जीत होगी।